हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड विच आर यूजफुल टू मैन। यानी प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति हमें देती है और मनुष्य के लिए जो उपयोगी होते हैं। जैसे प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो ये सब क्या है, हमारे लिए यूज़फुल हैं। इनसे हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं और दूसरी हमारी चीज़ें मिलती हैं, उपयोगी लकड़ी मिलती है, वस्त्र पहनने के लिए हम जो रेशे लेते हैं वो भी इसी से ही लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो कि नेचर हमें देता है उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, वेजिटेशन, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो इन प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सोलर एनर्जी आती है, एयर आता है, वाटर आता है, वेजिटेशन, फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स। अगर इनका हम क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, तो इन्हें हम कई प्रकार से बांट सकते हैं। पहला मैंने प्रकार लिया है पर्यावरण के घटकों के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसा आपको पता है कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो इसके फॉर्म में प्राकृतिक संसाधनों को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक यानी जो जीवित हैं, इसमें क्या आते हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स और फॉसिल्स। दूसरा है एबायोटिक यानी जो जीवन जिनमें नहीं है, इनके अंदर जल है, वायु, ऊर्जा और मृदा, वाटर, एयर, एनर्जी एंड सोयल। तो ये एक प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी यानी पुनर्जीविता के आधार पर। पुनर्जीविता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन हैं। पहला है पुनर्जीवित होने वाले रिन्यूएबल रिसोर्स जिन्हें हम कहते हैं, दोज रिसोर्सेज विच रिन्यू आफ्टर देयर यूज नेचुरली। यानी प्राकृतिक रूप से अगर हम इन्हें यूज़ करते हैं, ये दोबारा से अपने आप को फिर गेन कर लेते हैं, पुनर्जीवित कर लेते हैं। जैसे प्लांट्स यानी वे संसाधन जो उपयोग के पश्चात पुनः प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे प्लांट्स, प्लांट्स आपने देखा होगा बीज जमीन पर गिर जाते हैं और फिर दोबारा से वही प्लांट्स जो हैं अपने आप उगाते हैं। तो ये हो गए पुनर्जीवित होने वाले संसाधन। दूसरे क्या है पुनर्जीवित में, जैसे एयर भी आ गया, वाटर भी आ गया, सोलर एनर्जी भी आ गया, आप इन्हें यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा क्या है पुनर्जीवित न होने वाले संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यू आफ्टर देयर यूज नेचुरली। यानी ये यूज़ करने के बाद प्राकृतिक रूप से दोबारा से उत्पन्न नहीं होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पुनर्जीवित न होने वाले संसाधन। जैसे पेट्रोल है, फॉसिल फ्यूल्स है, ये संसाधन क्या है, उपयोग के पश्चात पुनः प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होते हैं। आप पेट्रोल एक बार यूज़ कर लेते हैं लेकिन प्राकृतिक रूप से उतनी जल्दी ये नहीं उत्पन्न होता है। देन है रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज, तीसरा प्रकार है इसमें पुनर्जीविता के आधार पर, पुनः चक्रणीय संसाधन। यानी ये रिसोर्स ऐसे हैं विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। जैसे आयरन है, आयरन लोहा, जिसको हम मशीन्स की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, डोर्स की फॉर्म में, नेट में, इक्विपमेंट बनाने में। तो ये आयरन ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, इसका मतलब कि आयरन से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फर्नेस में मेल्ट करके दोबारा से इसको रिमोल्ड कर सकते हैं। अगर आपने कोई डोर में कुछ आयरन का लगाया है, नेट या कुछ, उसका आप रिमोल्ड करके दोबारा कोई और शेप दे सकते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पुनः चक्रणीय संसाधन। इसके अलावा कुछ और, एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक है, टिन है, प्लास्टिक को आप रिमोल्ड कर सकते हैं बार बार। तो इन संसाधनों का उपयोग बार बार कुछ प्रक्रियाओं को अपनाकर किया जा सकता है, यानी अगेन एंड अगेन आप इसको डिफरेंट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें अक्षय संसाधन, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल यानी ऐसे संसाधन जिनका क्षय नहीं होता है, यानी दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट एग्जॉस्टेड, ये मतलब आसानी से ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे एयर है, वाटर है, सॉयल एनर्जी है।
ये तो हो गए हमारे पुनर्जीविता के आधार पर। इसके बाद है तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर। तो वितरण के आधार पर दो तरह के होते हैं संसाधन। फर्स्ट है सर्वत्र सुलभ, यानी ऐसे संसाधन जो हमेशा प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे वायु हर जगह पाई जाती है। दे आर अवेलेबल एवरीवेयर इजीली, यानी इजीली ये हर स्थान पर पाए जा सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, सर्वत्र सुलभ। दूसरा है स्थानीकृत। स्थानीकृत मतलब ऐसे संसाधन जो किसी विशेष स्थान पर पाए जाते हैं, दे प्रेजेंट ऑन द पर्टिकुलर प्लेस। जैसे खनिज हैं, खनिज हर जगह नहीं होते हैं या कृषि हर जगह नहीं करते हैं, तो ऐसे संसाधन क्या होंगे, स्थानीकृत होते हैं। तो ये आज मैंने प्राकृतिक संसाधनों के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।